हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 7 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस द ट्रॉपिकल एंड द सब ट्रॉपिकल रीजन। तो इसमें एक बच्ची है जिसका नाम रेणुका है, उसके अंकल हैं श्रीकांत, जो काफ़ी टाइम बाद ऑलमोस्ट 4 मंथ बाद घर आए हैं। वो एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हैं और वो पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करते हैं, अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं और बहुत सारी पिक्चर्स लेते हैं। तो वो और रेणुका को उनके बारे में बताते रहते हैं, तो रेणुका को भी उन सब चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, अलग अलग लोगों में, अलग प्लेसेस में वो कैसे दिखते हैं, कैसे होते हैं। जैसे इसमें पिक्चर में दिखाया गया है कि जो पीपल होते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, वो अलग अलग दिखते हैं, अलग फेशियल फीचर्स होते हैं, सबके स्किन का कलर अलग होता है, तो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है ह्यूमन बींग्स में भी। तो अब हम इसमें देखेंगे कि लाइफ अमेजोन बेसिन में कैसी है। अमेजोन कहाँ पर है? अमेजोन है साउथ अमेरिका में और काफ़ी सारी कंट्रीज़ को कवर करता है, करती है ये अमेजोन बेसिन। ब्राज़ील आता है उसमें, वेनेजुएला आता है, और देखते हैं हम इसमें और क्या क्या बताया गया है। देखिए जैसे कि इसमें है मैप में ब्राज़ील है और वेनेजुएला का थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट है, गुयाना है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया। तो ये पूरी की पूरी जो हमें इस फिगर में दिख रही है, ये हमारी अमेजॉन बेसिन है। अब हम देखते हैं लाइफ इन द अमेजॉन बेसिन। जो अमेजॉन है ये इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में लाई करता है, इसलिए ये हमारा इक्वेटोरियल रीजन है। इक्वेटोरियल रीजन होता है 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच वाला। इक्वेटोरियल रीजन है, सनलाइट एबंडेंट है, रेनफॉल भी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा घने होते हैं। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट यहाँ पे हमें मिलते हैं। और जो प्लेस होता है जहाँ पर रिवर फ्लो करती है किसी दूसरी वाटर बॉडी में, जैसे रिवर फ्लो करके गिर जाती है ओशंस में, तो जहाँ पर वो गिरती है जिस पॉइंट पर, उसे हम रिवर का माउथ बोलते हैं। और बहुत सारी दूसरी ट्रिब्यूटरीज भी अमेजोन रिवर को या फिर किसी भी बड़ी रिवर को ज्वाइन करती हैं और सबके सब मिलके रिवर का माउथ बनाते हैं। तो अमेजोन बेसिन कौन कौन सी रीजन्स को ड्रेन करती है? वेनेजुएला, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया और स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला को। अब इसमें देखेंगे कि हमें डू यू नो वाला जो पार्ट होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, इसको हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। कि इसमें बता रहे हैं कि जब जो स्पेनिश एक्सप्लोरर थे, जब वो अमेजोन को डिस्कवर करने के लिए निकले थे, उनको अटैक कर दिया गया था लोकल ट्राइब्स के द्वारा, जिन्होंने हेड पे कुछ अजीब सी चीज़ें पहनी हुई थी और ग्रास की, घास जो होती है उसकी स्कर्ट पहनी हुई थी। और पीपल जो थे, जो स्पेनिश लोग थे, उनको मतलब याद आई ऐसी बहुत ही ज़्यादा खूंखार ट्राइब्स की, जो वुमेन वॉरियर होते थे, वुमेन लड़ाकू हुआ करते थे रोमन एम्पायर में, और जिनका नाम अमेजोन हुआ करता था। तो उन स्पेनिश लोगों ने इस रीजन का नाम अमेजोन दे दिया। अब हमें बताया गया है कि ट्रिब्यूटरीज क्या होती हैं। ये स्मॉल रिवर्स होती हैं जो बड़ी रिवर को ज्वाइन कर लेती हैं। जो मेन रिवर होती है वो ट्रिब्यूटरीज के साथ किसी भी एरिया को ड्रेन करती है। किसी भी एरिया में जैसे कि ट्रिब्यूटरीज फैली हुई होती हैं, तो वो उस रिवर का कैचमेंट एरिया होता है। और जो अमेजॉन बेसिन है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। जैसे कि मैं आपको एक बार फिगर में ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ब्रश लेते हैं, देखिए मान लीजिए ये एक रिवर है, सपोज़ करिए अमेजॉन रिवर है, काफ़ी बड़ी है, काफ़ी पानी आता है इसमें बारिश से और दूसरी जगहों से। अब क्या होता है कि एक छोटी रिवर ने आके अमेजॉन रिवर को ज्वाइन किया, एक और रिवर ने किया, एक और रिवर ने ऐसे किया, ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, किसी ने ऐसे किया, ऐसे ऐसे। तो ये जो छोटी छोटी रिवर्स जो एक बड़ी रिवर को आके ज्वाइन कर रही हैं ना, ये हमारी ट्रिब्यूटरी होती है, ठीक है। और ये जो पूरा एरिया है जिसको ये सारी की सारी रिवर्स मिलके ड्रेन कर रही हैं, ड्रेन कर रही है मतलब सींच रही हैं, क्योंकि जब रिवर में पानी होता है वो ग्राउंड लेवल में भी, ग्राउंड के अंदर भी जाता है, लोगों के यूज़ आता है, इसलिए ये ड्रेनेज बेसिन बनाती है। तो ये वाला जो पूरा रीजन होता है जिसमें एक बड़ी रिवर होती है, उसकी छोटी छोटी रिवर्स उसमें आके मिल रही होती है, वो उस रिवर की ट्रिब्यूटरीज होती है। तो पूरा एरिया मिला के जो बनता है वो एक ड्रेनेज बेसिन बनती है, और अमेजॉन बेसिन वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर बेसिन है। अब इसमें आगे देखते हैं चैप्टर में कि जो अमेजॉन वाला जो एरिया है अमेजॉन रिवर बेसिन का, उसका क्लाइमेट कैसा रहता है। इसमें आगे इस पे कहते हैं कि जो अमेजॉन बेसिन है वो स्ट्रेच करती है इक्वेटर
के एरिया में। और इसका जो वेदर है, क्लाइमेट है, वो काफ़ी हॉट और वेट क्लाइमेट है, पूरे साल ऐसा ही रहता है। गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है और बारिश भी ऑलमोस्ट रोज़ ही पड़ती है, इसलिए इसका जो वेदर है वो हॉट और वेट टाइप का है। और दिन और रात दोनों में, दोनों ही इक्वली हॉट और ह्यूमिड होते हैं, मतलब दिन में भी जितनी गर्मी पड़ती है रात में भी कोई ठंडा नहीं होता है, रात के टाइम भी काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ह्यूमिड क्या होता है, हमारी जो हवा में जितनी नमी होती है ना वो हमें बताती है कि ह्यूमिडिटी कितनी है। ह्यूमिड क्यों है ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है इसलिए हवा में काफ़ी ज़्यादा नमी रहती है। और गर्म इसलिए है क्योंकि इक्वेटर के पास से सनलाइट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे हमें मिलती है। ऐसे क्लाइमेट में जो हमें क्या होता है, स्टिकी स्टिकी चिपचिपापन सा हम फील करते हैं। ऑलमोस्ट डेली क्या होती है, रेन होती है और कोई वार्निंग भी नहीं और कुछ नहीं, शाम के टाइम ऑलमोस्ट डेली रेन हो जाती है। टेम्परेचर जो होता है दिन का काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, हाई ह्यूमिडिटी होती है, और रात के टाइम टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाता है कंपैरेटिवली, बट होता गर्म ही है मगर ह्यूमिडिटी जो है वो हाई ही रहती है। अब रेन फॉरेस्ट के बारे में हमें बताया गया कि थिक फॉरेस्ट, बहुत ज़्यादा घने फॉरेस्ट होते हैं, बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है और फॉरेस्ट इतने ज़्यादा थिक होते हैं कि ऐसा लगता है कि जो लीव्स है ना उन्होंने एक छत सी बना ली है, अपनी रूफ बन गई है लीव्स की, और जो ब्रांचेस होती हैं और इतने ज़्यादा पेड़ घने होते हैं कि जो सनलाइट होती है वो तो ग्राउंड तक पहुंच ही नहीं पाती है, और जो ग्राउंड होता है वो काफ़ी ज़्यादा डार्क रहता है। और ऐसे पेड़ उगते हैं वहाँ पर, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं जो बड़े पेड़ों के नीचे उगते हैं वो शेड टॉलरेंट होते हैं सॉरी, मतलब उनको आदत हो गई होती है कि वो उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगी और वो शेड में, मतलब छाया में ही वो बढ़ने लगते हैं। इस टाइप के वेजिटेशन वहाँ पे डेवलप हो चुकी है। और कौन कौन सी वेजिटेशन है, जैसे कि ऑर्किड्स होते हैं, ब्रोमेलियार्ड्स वहाँ पे मिलते हैं वो एज अ, और प्लांट पैरासाइट्स होते हैं। जो वहाँ का रेन फॉरेस्ट है उसमें रिच फौना है। देखो फ्लोरा तो होता है, जैसे कि हमारे जो फ्लावर्स हो गए, प्लांट्स हो गए, वो हमारा फ्लोरा होता है, जिसका एग्जाम्पल ऑर्किड्स और ब्रोमेलियार्ड्स है और प्लांट पैरासाइट्स हैं दूसरे। और फौना होती है हमारी जो एनिमल वैरायटी होती है, बर्ड्स हो गए और बाकी दूसरे एनिमल्स हो गए। तो यहाँ का जो फौना है और फ्लोरा है दोनों ही काफ़ी ज़्यादा रिच हैं। और बर्ड्स जैसे कि टॉकन्स, हमिंग बर्ड और बर्ड ऑफ पैराडाइज, इनका जो कलर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रिलियंट होता है। और भी दूसरी बर्ड मिलती हैं, बड़ी बड़ी जो बेल्स होती हैं, ये वाली जितनी भी जो बर्ड्स हैं ना ये जनरली उसी एरिया में मिलती है। हमें अपना जो इंडिया है यहाँ पर इस टाइप की बर्ड्स नहीं मिलेंगी। देखिए जैसे टॉकन्स की जो है वो पिक्चर भी हमें दिखाई गई है, और अमेजोन रेन फॉरेस्ट का ये जो पिक्चर है इसमें देखिए किस तरीके से प्लांट पैरासाइट्स जो है वो प्लांट के ऊपर ग्रो किए हुए हैं। और फिर इसमें एनिमल्स के बारे में बताते हैं कि ये टेपियर है और स्लॉथ है, आंटी, ये जो टेपियर्स होते हैं ये आंटी के होते हैं, मतलब आंट को खाते हैं। अब एक बार हम पहले डू यू नो वाला देख लेते हैं कि जो ये ब्रोमेलियार्ड्स हैं वो स्पेशल प्लांट्स हैं जो अपना जो वाटर है वो अपने प्लांट के अंदर स्टोर करके रखते हैं अपनी लीव्स में। और जो एनिमल्स जैसे कि फ्रॉग्स हैं वो इन वाटर की पॉकेट्स को यूज़ करते हैं अपने एग्स देने के लिए। तो ब्रोमेलियार्ड्स क्या है, स्पेशल प्लांट्स हैं जो अपनी लीव्स में वाटर को स्टोर करके रखते हैं। देखते हैं कि कौन कौन से और दूसरे एनिमल्स यहाँ पे मिलते हैं। रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर जैसे कि स्नेक्स भी रहते हैं, क्रोकोडाइल्स, पाइथन्स काफ़ी ज़्यादा पाए जाते हैं, एनाकोंडा और जो बोआ कंस्ट्रिक्टर है वो कुछ स्पीशीज़ हैं जो यहाँ पाई जाती हैं। और जो बेसिन है वो होम है बहुत सारी स्पीशीज़ का जो इंसेक्ट्स की हैं, और सेवरल फिशेस भी काफ़ी ज़्यादा, और फ्लैश ईटिंग पिराना फिश भी यहाँ पे पाई जाती है अमेजॉन रिवर में। और बेसिन फिर आगे बताते हैं कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिच है, यहाँ की जो वैरायटी ऑफ लाइफ है बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, काफ़ी ज़्यादा टाइप ऑफ स्पीशीज़ यहाँ पे मिलते हैं। अब पीपल ऑफ रेन फॉरेस्ट के बारे में कि यहाँ के जो लोग हैं वो, उनके बारे में बताया गया है, वो लोग जो हैं फूड के लिए सर्च करते हैं, हंटिंग करते हैं, और काफ़ी इन्होंने क्या किया है वहाँ के पेड़ों को धीरे धीरे काटने लगे हैं और वहाँ पे खेती वगैरह करते हैं। मैन जो है वो हंट करने के लिए जाते हैं, फिशिंग करने के लिए जाते हैं रिवर्स में, और वुमेन जो है वो क्रॉप उगाती हैं। और क्रॉप कौन कौन सी उगती हैं यहाँ पर, टापियोका, पाइनएप्पल, स्वीट पोटैटो, और जो ये स्वीट पोटैटो है, टोमेटो है, ये वाला जो हमारे देश में लाया गया था पोर्टुगीज़ के द्वारा लाया गया था, और इसी रीजन की ये नेटिव स्पीशीज़ होते हैं। एज हंटिंग और फिशिंग जो है वो अनसर्टेन होती हैं, तो वुमेन ही अपनी फैमिली इसको एक्चुअल में चलाती हैं, और वेजिटेबल्स और बाकी सारी चीज़ें उगा करके। जो प्रैक्टिस है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की वो यहाँ पे
फॉलो की जाती है। पहले देखते हैं कि स्लैश एंड बर्न होता क्या है। स्लैश एंड बर्न में क्या करते हैं कि एक वे ऑफ कल्टीवेटिंग लैंड है। हम लोग जैसे खेती करते हैं ना, ये भी एक तरीके की खेती है। इसमें क्या करते हैं, फार्मर जो लैंड होता है उसको क्लियर करते हैं। किस तरीके से, पहले वहाँ पे जो पूरा जंगल होता है उसमें आग लगा देते हैं। फिर क्या होता है, जो ऐश बचती है उसमें जो चीज़ें होती हैं वो काफ़ी फर्टाइल होती है, तो वो लैंड को भी फर्टाइल बना देती हैं। फिर कई सालों तक वो उसी जगह पर खेती करते हैं, जैसे कि 3 4 4 5 साल तक। फिर उसके बाद जब वो लैंड अपनी फर्टिलिटी को लूज़ कर देता है, इनफर्टाइल हो जाता है, तो उस पैच ऑफ लैंड को वो लोग छोड़ के दूसरे पैच ऑफ लैंड पे जाते हैं, फिर उसकी कटाई करते हैं और उसको जलाते हैं। और यही प्रैक्टिस सालों साल रिपीट होती रहती है। और जो वो लैंड छोड़ के आए होते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो फर्टिलिटी नेचुरली गेन कर लेता है और फिर उस पर दोबारा से प्लांट्स उग जाते हैं। तो ये होता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ऐसा जो एंशियंट हम लोग रहा करते थे स्टार्टिंग में, जब हमने एग्रीकल्चर करना स्टार्ट किया, तो तब जनरली इसी टाइप का एग्रीकल्चर किया जाता था। इंडिया के भी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये वाला स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता है। अब इसमें ये आगे, हाँ इसमें आते हैं हम पीपल इन द रेन फॉरेस्ट। तो स्टेपल फूड जो है उनका वो है मैनियोक, और जिसको हम कसावा भी कहते हैं, जो अंडरग्राउंड पोटैटो की तरह उगता है। और यहाँ के लोग क्वीन आंट भी खाते हैं और एग के सैक्स को भी खाते हैं। कैश क्रॉप्स भी हैं जैसे कि कॉफ़ी, मेज, कोकोआ। देखिए, एक तो होती है हमारी नॉर्मल क्रॉप्स, जो हमारी फूड क्रॉप्स होती हैं जिसको हम खाते हैं, जैसे कि वीट हो गया और राइस हो गया, पल्सेस हो गए, हम इसको खाने की तरह खाते हैं। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जनरली जिसको, मतलब जो पर्पस होता है फार्मर का उगाने का, वो प्रॉफिट कमाना ही होता है। जैसे कि कॉफ़ी है, कोई इतनी सारी कॉफ़ी जितनी उगाता है वो तो पूरी नहीं पी सकता है। तो इनका जो मेन पर्पस होता है वो होता है कि वो उस चीज़ को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे। तो इस टाइप की जो क्रॉप्स होती है वो कैश क्रॉप्स होती है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि इनमें से कैश क्रॉप्स को आइडेंटिफाई करिए। तो याद रखिएगा कि जैसे कॉफ़ी हो गई, कोकोआ हो गया, मेज़ हो गया, बनाना प्लांटेशन हो गया, कॉटन कल्टिवेशन, ये सारी की सारी कैश क्रॉप्स हैं। तो फिर रेन फॉरेस्ट जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है, जैसे कि वुड है हाउस बनाने के लिए, और फैमिली जो है वो थैच हाउस बनाती हैं, शेप्स लाइक बी हाइव्स। तो थैच हाउस क्या होते हैं, जो यहाँ पे इसमें जो लकड़ी के डंडे होते हैं गोल गोल से, पहले वो लगाए जाते हैं, फिर ऊपर की तरफ काफ़ी सारी चीज़ें डाली जाती हैं इसकी रूफ पे, जैसे कि घास फूस और झाड़ियाँ, पतली लकड़ियाँ। इस तरीके का घर जो होता है हट टाइप का, इसको हम थैच हाउस बोलते हैं। और यहाँ पे अदर स्मॉल अपार्टमेंट लाइक घर भी होते हैं जिनको मलोगा बोला जाता है, और जिनकी जो काफ़ी ज़्यादा स्टीप और स्लैंटिंग रूफ होती है। स्टीप और स्लैंटिंग रूफ इस टाइप की होती है, ऐसे करके, स्लैंट का मतलब होता है ये। इस टाइप की रूफ आप सोचिए क्यों बनाते होंगे। 2 मिनट दे रही हूँ, 2 मिनट नहीं, 2 सेकेंड दे रही हूँ, सोचिए क्यों बनाते होंगे। टाइम अप। ये इसलिए बनाते हैं ताकि, क्योंकि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा पड़ती है। अगर मान लीजिए इस टाइप की फ्लैट छत बनाएंगे तो पानी यहाँ पे बढ़ता जाएगा, और उनकी जो भी उन्होंने हट घर बनाया हुआ है वो तो ख़राब हो जाएगा। इसलिए जो ये स्लैंटिंग स्लोप होता है इस टाइप का, बारिश आती है और पानी सारा का सारा नीचे आराम से गिर जाता है, इसलिए स्लैंटिंग रूफ्स बनाई जाती हैं। जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है उस रीजन में भी, और स्नोफॉल जहाँ पे होती है उस रीजन में भी स्लैंटिंग रूफ बनाते हैं, ताकि जो स्नोफॉल है, बारिश है, वो सारी नीचे की नीचे गिर जाए। अब इसमें आगे है कि जो लाइफ है अमेजोन में रहने वाले लोगों की, वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई 1970s में, क्योंकि इस टाइम पे क्या हुआ, फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा काटा जाने लगा और एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को भी यूज़ किया जाने लगा इस जंगल के अलग अलग प्लेसेस में पहुँचने के लिए। और जो इंडिजिनस वहाँ पर पहले से रहने वाली पॉपुलेशन थी, उसको उस एरिया से बाहर निकाल दिया गया फोर्सफुली, और नए लोग वहाँ पर आके सेटल हुए, और वे ऑफ फार्मिंग जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई, और एक्सप्लॉयटेशन होने लगा फॉरेस्ट का काफ़ी ज़्यादा वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। अब डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं, और ग्रेजुअली डिस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, रेन फॉरेस्ट की। हमें इसमें देखिए, ये पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से पहले क्या था, 1970s से पहले बहुत ज़्यादा घना था, फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जंगल कटने लगे। तो ये है पहले वाला कि जंगल जो कटे, ये वाला कि कैसा हुआ। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम पड़ा, फिर पेड़ इतने बचे, पूरे में सेटलमेंट आ गई। और अब देखिए कि कितने कम पेड़ बचे हैं, और हर जगह सेटलमेंट ही सेटलमेंट है। सेटलमेंट का मतलब हमने पहले वाले चैप्टर में समझा था, जहाँ पर लोग रहते हैं, जहाँ पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं, वो होती है हमारी सेटलमेंट्स। तो
क्या होता है, बार बार इन लोगों ने इतने ज़्यादा पेड़ काटे, मतलब डिफोरेस्टेशन से तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। जो हमारी टॉप सॉइल होती है, जो फर्टाइल सॉइल होती है, वो उड़ के चली जाती है। जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसमें कमी आ जाती है। हमारे ऑक्सीजन की, मतलब देखिए ना आप कि प्लांट से हमें कितना कुछ मिलता है। सबसे बड़ी चीज़ तो ऑक्सीजन मिलती है, दूसरी चीज़ वो हमारी जो ग्राउंड की फर्टिलिटी है वो बनाए रखता है। वाटर लेवल जो है, वाटर टेबल, ग्राउंड वाटर जो होता है उसको वो बनाए रखता है। कितने सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं उससे, किसी भी प्लांट से। और एक प्लांट पे आप सोचिए कितने सारे स्पीशीज रहते हैं। ह्यूमंस को हटाइए, कितने सारे मंकीज रहते हैं किसी प्लांट पे, कितनी सारी बर्ड्स रहती हैं, कितने आंट रहते हैं, कितने और पैरासाइट्स रहते हैं। एक प्लांट पे कितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, और हम पेड़ों को काट रहे हैं। क्या छोड़िए, आगे देखते हैं चैप्टर। तो जो टॉप सॉइल है वो रिमूव हो जाती है जब बहुत ज़्यादा बारिश पड़ती है, फिर वो सॉइल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बंजर सी हो